हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यम्मी सी पनीर की रेसिपी लाई हूँ। आपने शाही पनीर खाया होगा, कढ़ाई पनीर भी खाया होगा, बट आज जो हम पनीर दो प्याज़ा बनाएंगे वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बहुत ही यूनिक सब्जी है और खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो चलिए फटाफट से ये ईजी सी ढाबा स्टाइल वाली रेसिपी पनीर दो प्याज़ा रेडी करते हैं, जिसमें हम काजू नहीं डालेंगे, बटर नहीं डालेंगे और इतनी ज़्यादा यमी ग्रेवी बनेगी। तो सबसे पहले पैन में हम ले लेंगे आधा कप के अराउंड ऑयल और उसमें डाल देंगे एक चम्मच जीरा, दो सूखी इलायची, एक काली इलायची, थोड़े से मैंने यहाँ पे पेपरकॉर्न्स यानी काली मिर्च और दो सूखी लाल मिर्च भी डाल दी हैं। इसमें हमें बहुत सारा खड़ा मसाला डालना है क्योंकि खड़े मसाले का टेस्ट इस सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है। फिर मैंने यहाँ पे तीन स्लाइस करी हुई प्याज डाल दी हैं। प्याज को मैंने लंबा लंबा ही स्लाइस किया था, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं या फिर चॉप भी कर सकते हैं, और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे आपको प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आज इस सब्जी में इतनी भून क्योंकि आज हम सब्जी को इतना भूनेंगे तभी इसमें ढाबा स्टाइल वाला टेस्ट आएगा और प्याज जो है वो अच्छे से भुन जाएगी। देखिए प्याज अभी हल्की सी ट्रांसलूसेंट हुई है, बट हमें इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है और जलाना नहीं है, सिर्फ भून भून के करना है। तो ये देखिए, इसे मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में हम चलाते रहेंगे, छोड़ भी सकते हैं थोड़ी देर, बस ये लगे नहीं नीचे। इसमें अब मैंने डाल दिया है एक पूरा कुटा हुआ लहसुन। ध्यान रखिएगा कि आप फ्रेश लहसुन डालें, लहसुन का पेस्ट यूज़ ना करें, इससे ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है। इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से सोटे कर लेंगे और पकाते रहेंगे प्याज को। अभी हमें सिर्फ प्याज को भूनना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई हरी मिर्ची। तो यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्ची को अच्छे से कूट लिया है। मैं काटने से ज़्यादा कूटना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे सब्जी का ओरिजिनल टेस्ट आता है। और इसे भी हम कर लेंगे सोटे और अब अपनी प्याज को, लहसुन को, हरी मिर्ची को और खड़े मसालों को भूनते रहेंगे। देखिए काफ़ी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, बट अभी इस स्टेज पे हमें इसे और पकाना है। तो इसे हम अच्छे से सोटे कर लेंगे। देखिए ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है भूनते भूनते, ये देखिए है ना बिल्कुल यम्मी सी। और इस स्टेज पे प्याज की खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। अच्छे से भून चुकी है हमारी प्याज, अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च का यूज़ किया है ताकि कलर बढ़िया आए, आप चाहें तो नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून हम यहाँ पे डालेंगे हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से मिला देंगे प्याज के साथ और मसालों को भी 2 से 3 मिनट भून लेंगे। तो कुल मिला के प्याज को हमने 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूना है और मसालों को 2 मिनट पे। और इस सब्जी को धीरे धीरे बनाइएगा, इसका टेस्ट आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप पनीर की बाकी रेसिपीज तो भूल जाएंगे और सिर्फ यही ट्राई करेंगे। फिर मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच गर्म पानी ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं और अच्छे से मिक्स भी हो जाएं प्याज के साथ। बस इसको 2 मिनट चला लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे डाइस्ड टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 से 2.5 टमाटर को चॉप कर लिया है और टमाटर के साथ ही हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। टमाटर और प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हमने प्याज को भूना, अब हम टमाटर को भूनेंगे, पर टमाटर को हम ऐसे नहीं भूनेंगे, टमाटर को हम अच्छे से ढक के भूनेंगे 5 से 6 मिनट, जब तक ये अच्छे से प्याज के साथ मिक्स ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसे हम प्याज के तड़के के साथ मिला के ढक के रख देंगे और इसे हम पकने देंगे। पाँच से छः मिनट हो गए हैं, तो एक बार अपना टमाटर चेक कर लेते हैं कि वो पका है या नहीं। ये देखिए अभी शक्ल से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और टमाटर जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, तो मतलब टमाटर और प्याज काफ़ी अच्छे से भुन गया है। प्याज ने भी तेल रिलीज़ कर दिया है, देखिए कितने अच्छे से तेल सारा साइड में आ गया है। इसका मतलब हमारी ग्रेवी जो है वो काफ़ी अच्छे से भुन गई है। इसमें हमने कोई काजू नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, बट ग्रेवी जो है वो बहुत ही अच्छे से बन गई है। अब इसमें जाएगा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इस ग्रेवी को देगा जान, बहुत ही बढ़िया लगेगी उससे ये। तो सबसे पहले हम एक पैन में ले लेंगे दही। तो मैंने यहाँ पे आधा कप दही ली है और उस दही में हम मिला लेंगे मसाले। तो 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ही हम इसमें मिला लेंगे धनिया पाउडर।
दही को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और ये दही हमारी जाएगी सब्जी में, जो हमारी जो प्याज और तड़के का मसाला है उसमें ये ग्रेवी का काम करेगी। तो दही की ग्रेवी, प्याज टमाटर का तड़का और पनीर, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनेगी। आप इसे हर पार्टी में ट्राई करेंगे, मेरी गारंटी है, एक बार ये ज़रूर बना के देखें। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको दही डालते ही 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाना है ताकि दही जो है वो फटे नहीं। वैसे दही फटेगी नहीं क्योंकि हमने दही के साथ इसमें मसाले भी मिला लिए थे, तो एक बैकअप ऑप्शन होता है, बट एक बार आप फिर भी अच्छे से चला लीजिएगा ताकि दही जो है वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए, अब ये जो दही है वो अच्छे से पक चुकी है और प्याज और टमाटर के साथ कितने अच्छे से मिल गई है ना, कितनी बढ़िया ग्रेवी तैयार हो गई है प्याज टमाटर और दही की। ये देखिए, इसे अच्छे से चेक कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 कप गरम पानी। पूरी सब्जी में मैं यहाँ पे गरम पानी ही यूज़ कर रही हूँ, इससे सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो आप भी गरम पानी ही डालिएगा। इसे कर लेंगे अच्छे से बिल्कुल मिक्स। ये देखिए कितने अच्छे से जो ऑयल है वो दही ने रिलीज़ कर दिया है, मतलब ग्रेवी जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पक रही है। इतने हम ले लेते हैं अपना पनीर, और जो कि हमें करना है हल्का सा सोटे। तो पनीर के लिए मैंने यहाँ पे हल्का सा तेल लिया है एक पैन में, एक नॉनस्टिक पैन में, और उसमें मैं डाल रही हूँ पनीर के क्यूब्स। तो कम से कम मैंने यहाँ पे 300 ग्राम पनीर लिया है और उसी के साथ मैं प्याज के पेटल्स डाल दूँगी, 1 पूरी प्याज के। तो हो गया ना पनीर दो प्याज़ा, तो हो गया ना पनीर दो प्याज़ा। सबसे पहले हमने प्याज का तड़का डाला और अब प्याज की पेटल्स। इसी में हम डाल देंगे हल्का सा लाल मिर्च और हल्दी पाउडर ताकि पनीर है उसमें कलर और टेस्ट आ जाए। इसे बिल्कुल हल्का सा सोटे करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो पनीर टाइट हो जाएगा। तो बिल्कुल हल्का सा मीडियम फ्लेम पर सोटे कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। बस देखिए, काफ़ी अच्छे से इसमें कलर भी आ गया है और ये सोटे भी हो गया है। तो ये बिल्कुल रेडी है सब्जी में जाने के लिए। पनीर और प्याज को अब हम डाल देंगे सब्जी में और कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो बस 5 मिनट में हमारी यम्मी सी सब्जी बिल्कुल रेडी होने वाली है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें फ्लेवर, टेस्ट, खुशबू बहुत ही बढ़िया है। नमक आप चेक कर लीजिएगा। अब इसी के साथ हम पकाते पकाते इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का टेस्ट सब्जियों में बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप ये ज़रूर डालें। और इसे हम कर लेंगे बहुत ही अच्छे से मिक्स। हमारी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है, बस एक इंग्रेडिएंट हम इसमें और डालेंगे और ये बिल्कुल बढ़िया ढाबा स्टाइल जैसी हमारी पनीर दो प्याज़ा रेडी हो जाएगी। ये देखिए, इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसमें गरम मसाला का यूज़ बहुत होगा, शुरू में हमने खड़े मसाले डाले थे और अब हम डाल रहे हैं गरम मसाला। सब्जी को अच्छे से मिक्स करके गैस को बंद कर लेंगे। तरी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आपको सूखी खानी है या वैसे खानी है। साथ ही में हम डाल देंगे हरा धनिया और मिक्स करके कर देंगे सर्व। तो हमारी यम्मी सी पनीर दो प्याज़ा की सब्जी तो हो गई है रेडी, और इसकी एक बार मम्मास प्लेटर स्टाइल एक बार प्लेटिंग भी कर लेते हैं बहुत ही ज़बरदस्ती। ये देखिए, तो अगर आपको ये यम्मी सी रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें।